जागरण जोश को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, जागरण जोश करंट अफेयर्स के साप्ताहिक Q&A सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस Q&A सेशन में देखते हैं कि पिछले सप्ताह के क्या कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, उनसे क्या सवाल बनाए जा सकते हैं और साथ ही उनके जवाबों को और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह के सवालों के साथ। तो ये है पहला सवाल, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2018 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? ऑप्शंस हैं मी टू, ट्रॉल्स, टॉक्सिक, ट्विटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टॉक्सिक। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने टॉक्सिक को अपने वार्षिक वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है और इसे चुनने की वजह इसका बढ़ता दायरा है, जिसके कारण यह सर्वसम्मति से चुना गया। देखिए, इसके पीछे रीजंस तो बहुत हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। उसका हम लोग कुछ देखेंगे कि इसको किस कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली चुना गया है। अगर हम टॉक्सिक वर्ड को समझें तो इसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ होता है कि जहरीला या विषाक्त। ऑक्सफोर्ड के एक रिसर्च के अनुसार यह पता चला है कि इस साल पहले से कहीं अधिक लोग किसी चीज़ों, परिस्थितियों, चिंताओं और घटनाओं का वर्णन करने के लिए टॉक्सिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अनुसार इस शब्द का सबसे अधिक उपयोग मी टू मूवमेंट के दौरान टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के रूप में हुआ। अगर हम इसे अधिक व्यापक रूप से देखें और समझें तो हमें पता चलता है कि वर्ष 2018 टॉक्सिक राजनीति का वर्ष रहा है। आपको पता होगा कि इस तरह ब्रेक्सिट वोट के दौरान जो बहस हुई थी और दुनिया भर के नेताओं की जो राजनीतिक बहस है उसकी किस तरह की प्रकृति रही है, और अगर हम उसे समझें तो सीधा सा इसका ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है, जहरीलापन ज़्यादा भरा हुआ है। साथ ही 2018 में विषाक्त हवा यानी कि टॉक्सिक एयर भी एक प्रमुख जो सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता रही है, जिसके लिए आपको पता होगा हमने पिछले अपने वीडियो में भी बताया कि किस तरह WHO ने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी और बताया है कि मिलियंस ऑफ जो बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड वो टॉक्सिक एयर के कारण मर रहे हैं। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए ये वर्ड ऑफ द ईयर बना है। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, किस राज्य ने इनक्लेव निवासियों को भूमि अधिकार देने के लिए बिल पारित किया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के इनक्लेव निवासियों के अब तक के अनिश्चित भविष्य को समाप्त करने के लिए वेस्ट बंगाल असेंबली ने सर्वसम्मति से वहां के निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2018 बिल पारित किया। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं कि हमें पता है कि कुछ इनक्लेव आज़ादी के बाद से ही कुछ बांग्लादेशी इनक्लेव हैं जो भारत में थे और कुछ भारत के इनक्लेव थे जो कि बांग्लादेश में थे। मतलब सीधा सा है कि आप बांग्लादेश के सीमा के अंदर इनक्लेव में जो लोग हैं वो हैं तो भारतीय नागरिक लेकिन रहते हैं बांग्लादेश में, ऐसे ही हैं वो बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं भारतीय इनक्लेव में। इसी को देखते हुए, क्योंकि ऐसे लोगों को वहाँ पूरी तरह से सुविधा नहीं दिया जा रहा है, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए 2015 में भारत और बांग्लादेश ने सबसे जो अभी तक का जटिल सीमा विवाद था उसको एक समझौते के तहत समाप्त किया, जो कि स्वतंत्रता समय से चलती आ रही है। आपको ये बता दूं कि कूच बिहार में 111 भारतीय इनक्लेव जो कि 17,160 एकड़ में फैले हुए थे वो बांग्लादेश क्षेत्र का हिस्सा बन गए, और 51 बांग्लादेश के इनक्लेव जो 7,110 एकड़ में फैले हुए थे वो भारत में शामिल हो गए। इस समझौते के तहत कुल 162 इनक्लेव का आदान प्रदान हुआ और 51 बांग्लादेशी इनक्लेव में रहने वाले 14,856 लोग भारत का हिस्सा बन गए। अब देखिए, ये जो बिल पारित हुआ है उससे इसका क्या तात्पर्य है, यानी जो भी इनक्लेव के जरिए जो भी भारत का हिस्सा बने हैं इन लोगों को अभी तक भूमि अधिकार नहीं मिले थे, अब ये बिल उन सबको भूमि अधिकार देगी और वहाँ के लोगों को भूमि दस्तावेज भी उपलब्ध करवाएगी। आपको इसके साथ एक और जुड़ा सा फैक्ट बता दूं कि जब ये इनक्लेव का आदान प्रदान हुआ तो जो बांग्लादेश में भारतीय रहते थे और भारत में कुछ बांग्लादेशी रहते थे वो जो थे वो बांग्लादेश में रहने से उन्होंने मना कर दिया और सब बोले कि नहीं, हम भारत में ही रहेंगे, और बाद में भारतीय सरकार ने उन सबको अपने क्षेत्र में ही शामिल कर दिया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की ओर, निम्नलिखित में से किस पैनल ने हाल ही में भारत की सेज नीति पर अपनी रिपोर्ट सौंपी? ऑप्शंस हैं उर्जित पटेल, BN महापात्र, अरुण जेटली, बाबा कल्याणी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाबा कल्याणी।
भारत की मौजूदा सेज नीति का अध्ययन करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित बाबा कल्याणी समिति ने वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु को अपनी रिपोर्ट सौंपी। देखिए, सेज नीति का क्या मतलब है कि ये जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अगर भारत में जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हैं उसका सही से मूल्यांकन करने के लिए उसका हम लोग सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, इसको लेके बाबा कल्याणी की समिति बनाई गई। फिर बाबा कल्याणी ने अपनी समिति की एक रिपोर्ट सौंपी। क्या कहा गया रिपोर्ट में, देखिए रिपोर्ट में कहा गया है कि आईटी और आईटीईएस यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर हैं, ऐसे जो सेवा क्षेत्रों द्वारा देखी गई सफलता को, यानी ये सब क्षेत्र ने जिस तरह से सफलता अर्जित की है, वैसी ही चीज़ों को हम स्वास्थ्य में, वित्तीय सेवाओं में, कानून में, मरम्मत, डिजाइन, अन्य सेवाओं में भी बढ़ावा हम दे सकते हैं, ऐसा ये रिपोर्ट का कहना है। समिति के मुख्य उद्देश्यों में सेज नीति का मूल्यांकन करना था और इसे WTO संगत बनाना था। तो अब ये सवाल हमारे पास आता है कि भाई इस समिति की स्थापना कब हुई। आपको ये बता दूँ, जून 2018 में बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया और इस समिति को अपनी सिफारिशें देने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। आपको ये बता दूं कि भारत में सेज नीति 1 अप्रैल 2000 से लागू की गई थी। इसके बाद जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसे कि हम विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 को संसद ने पारित किया था और 23 जून 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, जिसके बाद ये सेज पॉलिसी इंडिया में लागू हो गया था और इसी सेज पॉलिसी को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल यानी कि चौथे सवाल की ओर। वजन और माप यानी कि वेट एंड मेजरमेंट पर 26वां सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया। ऑप्शंस हैं डबलिन, वर्सेल्स, स्टॉकहोम, बर्लिन। इसका सही ऑप्शन है बी, वर्सेल्स। वजन और माप पर 26वें सम्मेलन की बैठक 13 से 16 नवंबर 2018 के दौरान फ्रांस के वर्सेल्स में आयोजित की गई। यह सम्मेलन माप और वजन में सटीकता लाने के लिए दुनिया का उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इससे जुड़े हुए हम क्या फैक्ट्स देखेंगे, देखते हैं। इस सम्मेलन में एक ऐतिहासिक मतदान में 50 से अधिक देशों ने एक स्वर में अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली में परिवर्तन को अनुमति दे दी और इसके साथ ही विश्व भर में किलोग्राम मापने का तरीका बदल गया। यह देखिए अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक ये एक फैसला है कि हमारा जो एक किलोग्राम मापने का जो पहले का जो तरीका था, अब वो पूरे विश्व भर में बदल गया है। इसकी नई परिभाषा 20 मई 2019 से लागू होगी। इससे पहले हम इसे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने सिलेंडर से मापते थे। इसे ली ग्रैंड के नाम से भी जाना जाता है और यह तरीका साल 1889 से माना जाता रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन नई परिभाषाओं से अधिकतर लोगों के जीवन पर कोई खास असर नहीं होगा और बाजारों में किलो के बाट वही रहेंगे। बढ़ते हैं आज के पांचवें सवाल की ओर। नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस है गिरीश चंद्र मुर्मू, योगेंद्र त्रिपाठी, एन शिव सैलम, अजय भूषण पांडे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अजय भूषण पांडे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO और GSTN के चेयरमैन अजय भूषण पांडे को नए राजस्व सचिव के पद पर नियुक्त किया। वह मौजूदा वित्त और राजस्व सचिव हसमुख अधिया का स्थान लेंगे, जो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अजय भूषण पांडे 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। सरकार ने कहा है कि वो अगले आदेश तक UIDAI के CEO और GSTN के चेयरमैन का भी प्रभार जारी रखेंगे। हसमुख अधिया अगस्त 2015 में राजस्व सचिव नियुक्त किए गए थे और फिर नवंबर 2017 में वित्त सचिव बने। हसमुख अधिया के बारे में अगर हम और भी जानें तो आपको ये बता दूं कि ये इससे पहले भारत में बहुत ही क्रांतिकारी सरकारी कार्यक्रम हुए थे जिनसे ये सीधे तौर पर जुड़े थे। उसमें मुद्रा योजना, बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना इंद्रधनुष और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना थे। लेकिन उन सब में जो महत्वपूर्ण काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया वो है GST का कार्यान्वयन, जिसे स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा कर सुधार यानी कि टैक्स रिफॉर्म कहा जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के छठे सवाल की ओर। उत्तरी सेंटिनल द्वीप यानी कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इनमें से किस समुद्र में स्थित है। ऑप्शंस हैं बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अरब की खाड़ी, अदन की खाड़ी। और इसका सही जवाब है ए, बंगाल की खाड़ी। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान आइलैंड समूह का एक हिस्सा है, जिसमें दक्षिण सेंटिनल द्वीप यानी कि साउथ सेंटिनल द्वीप भी शामिल है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
देखिए ये अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी आपको पता है कि यही नॉर्थ सेंटिनल ग्रुप ने अभी हाल ही में एक अमेरिकन जो वहां जा रहे थे उन्हें मार दिया, और उसके बाद से ये काफी चर्चा में रहा है। तो आपको इस द्वीप के बारे में बता दूं कि यह सेंटिनेलियों का घर है जो बाहरी दुनिया के साथ किसी भी संपर्क को अस्वीकार करते हैं, अगर उनके कोई क्षेत्र में घुसे तो काफी हिंसक रूप अख्तियार करते हैं, और इसीलिए उन्होंने शायद उस अमेरिकी नागरिक को मार दिया था। ये जनजाति आखिरी असंबंध लोगों में से है जो आधुनिक सभ्यता से छूटे हुए हैं, यानी अभी जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके ये बहुत ही दूर है। अभी भी इनका खान पान, रहन सहन वो बहुत ही आदि मानव टाइप के ही रहे हैं अभी तक, और इसीलिए भारतीय प्रशासन ने इस द्वीपवासियों के अकेले रहने की इच्छा को समझा है, और वो इसकी जो निगरानी है वो काफी दूर रहकर ही करते हैं। अगर उन्होंने किसी को मार भी दिया तो भारतीय कानून उनके खिलाफ कोई भी मारने का मुकदमा नहीं चलाती, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो उनकी पॉपुलेशन है वो बहुत 100 से भी कम माना जाता है, और चूंकि वो किसी में हस्तक्षेप नहीं करते इसलिए वो चाहते हैं कि उनके मामलों में भी कोई ना आए, और वो चाहते हैं कि हम अलग ही रहें, इसीलिए कानून भी उसे सोवरेन मानते हैं, मतलब इंडियन कानून उसे एक तरह से सोवरेन दर्जा दे चुका है। और हम बढ़ते हैं आज के 7वें सवाल की ओर। किस भारतीय फिल्म निर्माता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन यानी कि FIAPF पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं मीरा नायर, अनुराग कश्यप, दीपा मेहता, नंदिता दास। सही जवाब है डी, नंदिता दास। फिल्म निर्माता नंदिता दास को 12वें एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में FIAPF सम्मान प्रदान किया जाएगा। नंदिता को एशिया प्रशांत क्षेत्र में फिल्मों में उनकी उपलब्धियों के लिए 29 नवंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। कुछ की फैक्ट्स देखते हैं। नंदिता दास ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी 1947 अर्थ आग, 1084 की माँ जैसी फिल्मों के साथ। उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म फिराक के साथ अपना निर्देशन कैरियर भी शुरू किया। उन्होंने हाल ही में उर्दू लेखक सादत हसन मंटो के जीवन पर आधारित फिल्म मंटो को निर्देशित किया, जिसमें शीर्ष भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, और इसकी प्रीमियर 2018 के कांस फिल्म फेस्टिवल में हुई, और इस साल सितंबर में भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई। एशिया प्रशांत क्षेत्रों के फिल्मों, कलाकारों, निर्देशकों और संस्कृतियों का सम्मान और प्रचार करने के लिए ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहल है, और इसका पहला आयोजन 2007 में किया गया था। और इसके साथ हम बढ़ेंगे आज के आखिरी और 8वें सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में रणजी क्रिकेट में 11,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है अमोल मजूमदार, देवेंद्र बुंदेला, वसीम जाफर, योगेश हारून। इसका सही जवाब है वसीम जाफर। घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने अपने नाम पर एक नया रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है। वो रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इनके लिए हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जाफर ने ये जो 11,000 रन पूरा किया था वो विदर्भ के तरफ से बड़ौदा के खिलाफ 153 रन की शानदार पारी खेली और 11,000 रन पूरे किए। जाफर के बाद रनों के मामले में दूसरा नाम अमोल मजूमदार का आता है, जिन्होंने 9,202 रन बनाए हैं। वहीं 9,201 रनों के साथ मध्य प्रदेश के देवेंद्र बुंदेला इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। वसीम जाफर के नाम रणजी क्रिकेट में सबसे ज्यादा 37 शतक और 81 अर्ध शतक शामिल हैं। तो ये थे इस सप्ताह के सवाल। अब हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जिनका जवाब आपको देना था, देखते हैं उसका सही जवाब क्या है। अगर रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? देखिए इसको हम समझेंगे 2-3 आयामों में। सबसे पहला तो हम देखेंगे कि मुद्रा के कमजोर होने से हमारे महंगाई पे क्या असर होती है, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उस पर क्या असर होता है, और हमारा जो इंटरनेशनल एक स्टेटस है उस पर क्या असर होता है। तो सीधा सीधा सा मतलब है, रुपया भाई कमजोर होगा तो महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी, लोगों का ऐसा कहना है। अब कैसे बढ़ेगी पहले हम ये समझते हैं। देखिए अगर रुपया महंगा हुआ तो आयात महंगा होगा। आयात कैसे महंगा होगा आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आज एक डॉलर बराबर 50 रुपये है, और आप अभी 50 रुपया दे के अमेरिकन एक एप्पल खरीदते हैं, ठीक है। अब वही एक डॉलर 100 हो गया, यानी जो पहले 50 रुपये में आप एक एप्पल खरीदते थे अब आप 100 रुपये दे के एक एप्पल खरीदते हैं। अब समझिए जहाँ पे पहले आप 100 में 2 सेब खरीद सकते थे अब वहाँ पे अब आपको सिर्फ एक मिल रही है, यानी महंगा हुआ, आयात महंगा हो गया।
और निर्यात जो है वो सस्ता होगा। कैसे सस्ता होगा देखते हैं। आपसे अगर कोई अमेरिकन कंपनी आपसे कोई चीजें खरीदती है तो आपने कहा भाई $1 लगेंगे और आपको यहाँ पे कितने रुपये मिलते थे 50, यानी आप अगर वही एप्पल आप अभी बेच रहे हैं उसे तो आपने कहा $1 यानी 50 रुपये में, अब वो महंगा हो गया। अभी आप वो आपको एक ही डॉलर दे रहा है लेकिन आपको मिल कितने रुपये रहे हैं, एक एप्पल के 100 रुपये, यानी आपके लिए क्या हुआ, तो अब क्या हो गया, अब आपके लिए निर्यात सस्ता हो गया। कैसे हो गया कि पहले जो आप विदेश से 50 रुपये लेते थे उसमें आप एक सेब देते थे और अभी आप 100 रुपये ले रहे हैं, अभी भी आप एक ही सेब दे रहे हैं, यानी आपके लिए ये सौदा क्या हुआ, बहुत ही सस्ता हुआ। अब महंगा कैसे होगा और सस्ता ये तो हमने समझ लिया, हमारे पे महंगाई कैसे हो रही है देखिए, हमें पता है कि हम जो तेल है वो कच्चा तेल है वो बाहर से मंगवाते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि महंगाई कैसे बढ़ेगी, तो आप जैसे ही बाहर से आप इंपोर्ट कराएंगे अपनी चीज़ों को, तेल लाएंगे, तो ऑलरेडी हमने सेब की तुलना की तो तेल आपका महंगा हो जाएगा, तेल महंगा होगा तो यहाँ गाड़ियाँ महंगी होगी, गाड़ियाँ महंगी होगी मंडी में सब्जियाँ महंगी पहुँचने लगेगी और इस तरह से महंगाई आपके पॉकेट तक आ जाती है। एक्सपोर्ट होने से, सस्ता होने से क्या होगा, एक्सपोर्ट सस्ता होगा आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी बाहर में आपके सामान की जो उसकी जो डिमांड होगी वो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो बाहर के जो आपके जो करेंसी है जो बाहर का डॉलर है वो आपके पास ज़्यादा आएंगे, आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। लेकिन तो क्या ये अपने आप हो जाता है रुपया कमज़ोर रुपया मजबूत, देखिए ये दो तरीके से होता है, एक तो डिमांड और सप्लाई पर ये डिपेंड करता है कि किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन चीज़ों की डिमांड है या फिर इंडिया में किस तरह की चीज़ों का डिमांड है इसके ऊपर। दूसरा, सरकार जानबूझकर रुपए को कमज़ोर करती है, इससे क्या होता है कि इससे जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो भुगतान संतुलन है वो बना रहता है, जहाँ पे आपका अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट है, आपने क्या क्या निर्यात बढ़ाया, आयात क्योंकि महंगा हो गया लोगों ने आयात करना कम कर दिया, निर्यात बढ़ा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, सही हो गया, तो सरकार कभी कभी अपने तरीके से भी इसको बढ़ाती है। होपफुली आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये समझ में आ गई होगी, अगर नहीं हुई तो फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं इसी वीडियो में कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई, अगले वीडियो में मैं आपको फिर से समझाऊंगा इन चीज़ों को। तो अब इस हफ्ते का सवाल जो कि आपके लिए है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है और इसका जवाब मैं आपको फिर से अगले हफ्ते बताऊंगा। तो सवाल क्या है ये देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में हाई कोर्ट का निर्माण होता है। अब आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं, क्या वो एक अनुच्छेद हैं या ऐसे कितने अनुच्छेद हैं जिससे हाई कोर्ट जुड़ा हुआ है और उसके तहत ही इसका निर्माण होगा। इसका जवाब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए और जवाब आपको मिलेगा अगले सप्ताह, फिर से हम इन्हीं चीज़ों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है इस सप्ताह के सवालों का दौर, अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे लाइक करें शेयर करें और देखते रहें जागरणजोश.com।